Delhi University to be recognized as one of the most inspirational females in the psychology department. इनका काम क्या कहते हैं? Counseling, youth training, so motivational speaking के ऊपर मबनी है. और recently इनके project guidance के flagship के अंदर they have helped to train more than 700 drug addicts people and they have brought them back to life. A huge round of applause to none other than Ikra Fayaz, everyone. अच्छा सबसे पहले हम अक्सर क्या करते हैं कि एक छोटी सी एक्टिविटी कराया करते हैं कुछ ना कुछ जिससे आप लोग वापस ऑन द प्लेस आ जाए क्योंकि काफ़ी हबड़ दबड़ बची हुई थी कोई कहीं से आ रहे कोई कहीं से आ रहे थे क्लास अब हम एक जगह इकट्ठे हुए ही हैं तो एक छोटी सी एक्टिविटी है. एक टीम ये है ठीक है ये साइड है और एक टीम ये साइड है. कॉम्पिटिशन ये है कि मेरा हाथ आपने ऐसा समझना है कि इट्स लाइक अ वॉल्यूम बटन ठीक है या जिससे आप वॉल्यूम को ऊपर नीचे करते हैं जैसे ही मेरा हाथ ऊपर जाएगा सो आप लोगों ने जोर से मूव करना है. जैसे ही ये हाथ नीचे आएगा ठीक है आवाज़ कम हो जाएगी तो हम देखेंगे किस टीम की कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छी है. रेडी रेडी ओके इस टीम से स्टार्ट करते हैं. This process
दूसरी चीज ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज यू नो एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एन अर्निंग प्लेटफॉर्म. आप आज कहीं भी दुनिया में बैठे हो, आप यहाँ से बैठ के US में बिजनेस कर सकते हैं. किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू. सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल एजेंसीज आज सबसे ज्यादा कमा रही है. क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको कहीं पे फिजिकली प्रेजेंट होना भी जरूरी नहीं है, आपका फिजिकल दफ्तर होना भी जरूरी नहीं है. आप यहाँ पे बैठे हुए US में कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए कनाडा में कोई प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई आपको इशू नहीं. आप यहाँ पे बैठे हुए अफ्रीका में कोई प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं और आप अर्निंग अपनी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. तो हमारा मकसद ये था कि एक चीज जिसको हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं उसको हम यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, यूज तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसकी यूटिलाइजेशन का नहीं पता. अगर हम 24 घंटे में से लेट्स सपोज 6 घंटे भी उस प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं तो व्हाई डू नॉट वी अर्न आउट ऑफ इट, या व्हाई डू नॉट वी नॉट ओनली अर्निंग, व्हाई डू नॉट वी क्रिएट एनी इंपैक्ट आउट ऑफ दैट. अगर हम 6 घंटे उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं तो लेट्स यूटिलाइज इट, राइट. आप लोग में से काफी लोगों का ये टैलेंट होगा कि आप अच्छी वीडियो बना सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं, कोई सिनेरियो चल रहा है मुल्क में तो आपका कोई व्यू पॉइंट होगा. लेट इट स्प्रेड आउट, ठीक है, लेट इट रीच टू पीपल, ठीक है. उसके बाद आप सुमैया से मिल भी सकते हैं, उनसे पूछे कि उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की है या उस जर्नी को स्टार्ट करने को पहले क्या हर्डल्स, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, बट नाउ इज शी सेटिस्फाइड, या अब उनके वो डेफिनेटली उनको क्या आउटकम मिल रहा है उस चीज से. आई एम श्योर कि वो अब कहेंगे कि यार हाँ, जब मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ मैं बाकी किसी काम के लिए करती हूँ. वो अपने घर वालों को कह सकती है अम्मी मैं काम कर रही हूँ, मोबाइल भी चला रही हूँ, वो कह सकती है कि मैं काम कर रही हूँ. हम लोग नहीं कह सकते, हम कहेंगे वो अम्मी कहेंगे फोन इस्तेमाल करिए, टाइम वेस्ट करके, ठीक है. अब कोई बंदा ऑब्वियसली डेफिनेटली आप अगर अपने घर वाले को बताएंगे यार ये इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ सोसाइटी में या कर रहा हूँ या मेरी अर्निंग हो रही है इस प्लेटफॉर्म से, तो फिर आपके घर वाले भी नहीं कहेंगे कि यार बंद करो इसे, ठीक हो गया. गेट माई पॉइंट? सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रायमन फातिमा, शी इज द यंगेस्ट कॉमेडियन पाकिस्तान में, दैट्स व्हाट आई हैव सीन सो फार. सो शी वाज एडेड विद मी ऑन फेसबुक, तो मैंने ऐसी पोस्ट डाली है वी आर लुकिंग फॉर सम कॉमेडियंस और सिंगर्स और समवन. So Rani got in touch with me or maine inka kaam dekha, so I was very impressed, so I just invited her. So let's hear from her. Yeah, so hello everybody, my name is Rani Fatima and believe it or not I am 12 years old. And I am a comedian, a writer, an entrepreneur, a teacher, and a theater actress. So I do a lot of things. And I'm also the youth ambassador for the SDGs. So social media is something that has a lot of benefits. I made my page on Facebook like 3 months ago. And now I have 4,000 plus friends, which is amazing. And so when I built that, I started adding people who were doing a lot in their lives, like Rehan Alawala, a lot of public speakers, the people who arrange conferences or events. So I started adding those people, and my network went from being national to international. So now I have at least one friend in each country in the world. Yeah, at least one friend. Again, it's your choice that what you want to do. You want to comment on memes, see memes, but you could have a lot of other things. You could have, you know, earning out of social media. You could sell your expertise or your products or anything you'd like, and you can do earning out of it. So I get almost like tons of messages on Facebook that, hi, hello, what do you do? The one I hate the most. What do you do? If you don't know me, and if you don't have anything to talk to me, then don't talk to me. Because, you know, tell what you do and ask me that you want to connect to me, or if even if I have accepted your request, does not mean you start sending me hello, good mornings, Juma Mubarak's. No. So even on Instagram, the same goes for Instagram, that you could do earning out of it, which is a very good thing. So right after like a week or two, I started going to learning by speaking English with Carla Richmond. That's like an English show that, you know, where we actually boost confidence for people and we help them getting fluent in English. So I think 2 or 3 days later, I was the co-host of the show. So now I co-host the show, and at the age of 12, I'm a teacher. So that is something that has helped me a lot. And of course, the network. People
you know, networks are something that help you a lot in life. You need anything and you have a network. So you know why I'm here? So, you know, Ikra and Sir Itiza posted, you know, that they wanted speakers and singers and comedians, anything. They wanted somebody to entertain the audience. Some people also recommended me and I also went there. And I'd never met any of these people ever before. So, yeah, I'm here just because of social media, which is, again, benefits of social media. So, yeah, I got a lot of opportunities out of social media. So yesterday, which is a very surprising thing, that yesterday I was contacted. And it was this man who was saying that he had studied me for some time. And yesterday I was announced as the president of Youth GVC for Southeast Asia, which is a very big thing apparently for social media. And so, because I'm here to entertain you with my stand-up comedy, so I think we should start. So, I love family vacations, but my family does not support family vacations. मेरे अब्बा कहते हैं कि दो चीजें हाथ से नहीं निकलनी चाहिए बेटा, वक्त और पैसा. और मेरी अम्मा कहती है बेटा इसका कोई फायदा नहीं है, पैसे जोड़ो तुम्हारे जहेज के लिए काम आ जाएगा. तो फॉर द लास्ट 12 इयर्स ऑफ माय लाइफ वी हैव बीन वेकेशनिंग एट द हाउसेस ऑफ माय पुप्पोस, खालास, मामूस, चाचूस. एंड लास्ट ईयर आई आस्क्ड माय मॉम अबाउट द वेकेशन एंड शी सेड ऐसा तैसा बराबर होएगा. What do you mean? पिछले साल तेरी पीपी अपने फीने बच्चियां की फौज लेके पूरे दो हफ्ते तक मेरे सिर से सवार रही सी, ऐसा मेरी वारी चाहिए. तो याद रखी मनुख उधर जाते ही माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाएगा तो मैं किचन से कोई नहीं जा सकता. मैंने कहा मामा आपको तो जोड़ों का दर्द नहीं है? उन्होंने कहा ओ नहीं पुत्र, अल्लाह ना करे. मैंने कहा मेरा मतलब ओहो मामा, मेरा मतलब हुआ कि आपको तो खाटी के जोड़ों का दर्द नहीं है जो पिछले साल आपने मेरी पुप्पी को दिए थे और इस साल आप वसूल करने का सोच रही है, राइट? देखिए फुफो और नाक का बहुत गहरा रिश्ता होता है. जैसे खौफ नाक फुफो, दहशत नाक फुफो, इबरत नाक फुफो. There's a very deep connection. So a few days back, I came back from the States and my papa asked me, beta, America te Pakistan vich ki fark hai? Maine kaha, papa, bas ek chhota sa fark hai. Udhar log apne kutto ko bachchon ki tarah rakhte hain. Aur yahan pe bachchon ko kutta ki tarah. Bas ye chhota sa difference hai. So last year, when it was my birthday, so I had like this whole party arranged and my papa came to my house and she asked me, beta, what do you want for a gift? Maine kaha, papa, please, please, I want a puppy. She said, beta, we don't ask for puppies. And she came nearer to me and she started giving me spit kisses. Itni dola hai. I said, papa, piche ho. I don't want puppies. I need a puppy. I mean, I need a kutte ka bachcha. She said, you will get a kutte ka bachcha when you grow up, hashtag with a bank account. Took me some time to realize the joke though. So, my Punjabi, abba Urdu speaking, and I English medium. Hum teeno ke darmiyan bahut bada communication gap hai. Hum teeno ko ek dusre ki zuban samajh aati hai, par bolni nahi aati. मैं अब्बा के सीक्रेट्स अम्मा को और अम्मा के सीक्रेट जाके मैं दादी को बताती हूँ. इस तरह मैं अपनी पूरी फैमिली को ब्लैकमेल करती हूँ और इसी वजह से मुझे मिनी फफे कुटनी कहते हैं. अब सी मैं मिनी फफे कुटनी लगती हूँ नहीं ना? सो मेरे मामा और बाबा दोनों की लव मैरिज हुई थी और उसके बाद खानदान के सारे नौजवानों को लव और मैरिज दोनों से नफरत हो गई थी. मेरे अब्बा बैठे सुन रहे थे, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं. मेरी मामा ने कहा
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਾ ਅਰੇ ਬੇਗਮ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਹੋ ਨੂਰ ਜਾਨ ਨੇ ਚਵਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਗਾਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆ ਆ ਗਾਵੇ ਲੁੱਟ ਗਈ ਆ इसी वजह से ना बाबा के फ्रेंड्स ने भी घर आना छोड़ दिया। बाबा के एक फ्रेंड घर आए हुए थे, जब वो चले गए ना तो उन्होंने बाबा को एक टेक्स्ट मैसेज किया, वो एक शेर था, इन कंजरों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन कंजरों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बच्चे तेरे जमाने कुछ तो ख्याल कर। तो यहां पे एक बात मैं बताती चलूं कि जब मेरी अम्मा सरगोशी करती हैं तो पूरा मोहल्ला सुनता है, जब मेरी अम्मा नॉर्मल होती है तो पूरा शहर ही सुनता होगा, पर जब वो गुस्से में बोलती है तो एक लफ्ज मेरी नानी की आवाज आती है, जे कीजिए लीजिए लाबी दिए दिए तेरो जीवन दे। साथ वाली कब्र से मेरे नाना की आवाज आती है, तू जीवन देता से। मेरी अम्मा को शादी से पहले रोला कहते थे घर वाले प्यार से, तो जब बाबा रिश्ता लेके गए तो नाना दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, उन्होंने दिल में कहा अल्लाह लख लख शुक्र साडा रोला थे वो क्या, और उन्होंने बाबा को कहा तेरा ढोला मेरा रोला माँ का परोला ते नाल नवी नकोर करोला ले जा ले जा। मेरे बाबा बहुत वाइज आदमी है, जिसे पंजाबी में बगैरत कहते हैं। उन्होंने फौरन अपना फोकस रोला से हटा के करोला बदल के फौरन मार कर दी, और आज तक मेरा बाप ससुरोला से आता है। सो आजकल ऑन सोशल मीडिया देयर इज लाइक अ वेरी वायरल टेस्ट, जिसमें होता है कि ऑन अ वेरी स्पेशल पीस ऑफ पेपर आप थोड़ा सा अपना थूकी देते हो और फिर उसके बाद वो एक लैब टेस्ट के लिए जाता है, दे एनालाइज कि आपके कहाँ से रूट्स लाइक ओरिजिनल रूट्स आपके कहाँ से हैं। सो यू नो मी एंड माय बेस्टी डिड इट टुगेदर बिकॉज यू नो दिस लुक्स क्यूट ऑन इंस्टाग्राम सोशल मीडिया। सो वी डिड इट और फिर हमें रिजल्ट्स मिले, और उसका तो मांगो था पर मेरा स्पेल MERASI इट्स बेटर मिरासरा। मुझे कुछ भी नहीं समझ आई, मैं बाबा के पास चली गई, मैंने बाबा को कहा व्हाट इज दिस, बाबा ने कहा बेटा बैठो मैं समझाता हूँ। पर मैंने कहा बेटा गुजरे वक्तों में ना स्टैंड अप कॉमेडियन को मिरासी कहा जाता था, ये तो पिछले चंद सालों में हम थोड़ी इज्जत मिली है, हम स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं। कहीं कहाँ वक्त हुआ करता था जहाँ पे लोग अपने घर नहीं घुसने देते थे और अब लोग लिटरली टिकट दे के आते हैं सुनने के लिए, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। मेरा साथ मैंने बाबा से पूछा, बाबा अगर आपको और मामा को दूसरे से इतनी नफरत है तो आप लोगों ने शादी क्यों की थी। बाबा ने कहा बेटा जवानी में ना आई वॉज वेरी एडवेंचरस, आई ऑलवेज लाइक टू पिक द बिगर चैलेंजेस इन लाइफ। और जहां तक अब की बात है तो योर मॉम इज लाइक द शार्क इन माई टैंक। She keeps me moving. मैंने कहा बच्चा नहीं आपका देसी दुआने जितना आपका टेटा है आप मूविंग समझ नहीं आई। मैंने कहा बेटा देखो मैं सुबह उठता लांजे पड़ती हैं जो फिर आगे मैं लांज में बैठ के टीवी देखना शुरू हो जाता हूँ, वहां से लांजे पड़ती हैं तो मैं जाता हूँ कपड़े धोता हूँ, वहां से लांजे पड़ती हैं तो मैं अपना मिड डे मॉर्निंग नैप लेता हूँ, वहां से भी लांजे जब पड़ती हैं ना तो मैं जाकर बर्तन धोता हूँ। शी कीप्स मी मूविंग अराउंड द हाउस। जैसे कि आपको पता होगा कि हर पंजाबी में एक मरासी और उर्दू स्पीकिंग में एक शायर छुपा होता है,
बाप का शायद तो पहले साल ही मार दिया गया था, पर माँ का मरासी अभी तक जिंदा है, हर शादी और मरने पर जा जाता है। अम्मा की ताई का इंतकाल हो गया, हम जा रहे थे, खापा शापा चल रहा था, आज बूहे पानी पानी चल रहा था और दरवाजा खुलता है, मर्दी सानू कल्ला छट गई, उन मेरा काला जोड़ा कौन सीवेगा, गाड़ी कमेटी की दिन निकलनी है इस बारी, रोटी खोलो मरने आदि ते मर गई है, सानू भूखिया है मारना जे। मैं और बाबा चुप एंड सीरियस, हमें कुछ नहीं समझ आया था हुआ क्या। मामा गाड़ी में आई, मामा ने कहा अच्छा देओ क्या होया, और खुद ही लगाया और लग दी लाहौर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रहीम।